अगर आप ब्लॉगर यूज करते हैं तो आपको पता होगा कि जब भी आप कोई कस्टम थीम आप अपने ब्लॉगर पे इंस्टॉल करते हैं या फिर मतलब कोई कस्टम थीम यूज करते हैं, जैसे कि मैंने एक कस्टम थीम यूज किया ये वाला, ये ब्लॉगर का अपना कस्टम थीम नहीं है, तो मैंने कहीं से लिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कॉपी राइट के लिए वहाँ पे टेम्पलेट यार्ड से लिया हुआ है ये। तो जब मैं कस्टम थीम आप जब यूज करते हैं तो क्या होता है कि आपका पेज स्पीड में जब आप चेक करते हैं तो हमेशा एक इरोर वहाँ पे आता है, यहाँ की ये आता है आपका इलिमिनेट रेंडर ब्लॉकिंग रिसोर्सेज। तो ये इलिमिनेट रेंडर ब्लॉकिंग रिसोर्सेज में आपको क्या है हमेशा ये आपको मिलता है जब भी आप कस्टम कोई थीम को यूज करते हैं। तो आप इसे कैसे रिमूव कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे जब इसको क्लिक करते हैं तो आपको अंदर दिखाता है कि एक है CSS फैमिली का जो फॉन्ट्स googleapis.com का है, वो वाला एक रिसोर्स है जो मेरा इस एलिमिनेट रेंडर ब्लॉकिंग रिसोर्स के अंदर आता है। तो मैं इस वाले वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि इसे आप कैसे रिमूव कर सकते हैं, जो CSS फैमिली वाला है या फिर फॉन्ट्स googleapis.com वाला है, इसको आप कैसे रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। और एक अलग ट्यूटोरियल में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये जो स्टैक पाथ bootstrap cdn.com ये वाला को भी आप कैसे हटा सकते हैं, वो मैंने एक नए वीडियो में कवर करूंगा। तो यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि CSS फैमिली को कैसे आप रिमूव कर सकते हैं ताकि आपका स्पीड बढ़ जाए। और क्या करना है, ये यहाँ से आप कॉपी कर लेंगे, कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है अपने थीम में जाना, ब्लॉगर डैशबोर्ड में, वहाँ पे थीम के यहाँ पे एरो का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे एडिट HTML पे क्लिक करना है और आपको क्या करना है फाइंड करना है, कंट्रोल F प्रेस करना है और आपने जो कॉपी किया था उसको यहाँ पे पेस्ट करना है और फिर सर्च मारना है। तो यहाँ पे दिख गया कि ये रहा। तो आपको क्या करना है कि इस पूरे ये जो लिंक लिखा हुआ है यानी कि पूरा लाइन को ही आपको क्या करना है कि डिलीट कर देना, उसके बाद आपको सिंपली इसको सेव कर देना है। जब ये प्रोसेसिंग हो रहा है, ठीक है, जब ये कंप्लीट हो जाएगा, जैसे ये कंप्लीट हो गया, अपडेट सक्सेसफुली दिखा दिया, अब आपको क्या करना है कि आपको देखना है कि वेबसाइट में कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं हुए हैं, कुछ चेंजेस हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इससे कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है, नॉर्मल जैसा था वैसा ही दिख रहा है, तो ठीक है, अच्छी बात है। अब हम यहाँ पे आते हैं, यानी कि उसका उतना काम नहीं था। अब हम इसको फिर से रीएनालाइज करते हैं, देखते हैं कि वही इरर वापस शो करता है कि नहीं। मैं इसको रीएनालाइज कर रहा हूँ, अभी देखिए थोड़ा सा स्पीड भी बढ़ गया, स्पीड हो गया 84, ठीक है। और यहाँ पे अभी भी रेंडर ब्लॉकिंग रिसोर्सेज वाला ऑप्शन दिखा रहा है, बट वो अभी यहाँ पे देखिए वो CSS फॉन्ट वाले जो था ये Google Apis वाला, वो अब शो नहीं कर रहा, अब सिर्फ शो कर रहा है आपका स्टैक पार्ट वाला, जो कि मैं दूसरे वीडियो में कवर कर लूंगा, तो दूसरे वीडियो में इसके ऊपर बना दूंगा। तो ये वाला यानी कि आप इस तरह से गूगल CSS को जो गूगल Apis वाला जो इरोर था रेंडर ब्लॉकिंग के अंदर, उसे आप रिमूव कर सकते हैं।